तो डियर स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टर्म वन मैथ के एग्जाम में हमारे पास मात्र और मात्र एक दिन का समय बचा हुआ है। समय क्या बचा हुआ है, ये जो हमारे CBSE अंकल है पगला, वह एक दिन ही दिए हैं। हो चचा, कम से कम चार दिन का तो समय दे देना चाहिए ना। छोड़िए हटाइए, उस पर तो अब बात नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर साइंस में जैसे जैसे आपने बताया एक दिन में काम करने को, हमने किया और आज पेपर में सर हम लोग गर्दा उड़ा दिए हैं, तो मैथ का भी बताइए। तो आज हम मैथ का बताने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे काम कीजिएगा, तो एकदम गजब मार्क्स आप लोग स्कोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि इस वीडियो को 3-4 प्रकार के बच्चे देख रहे होंगे। कौन सर? एक हैंडसम बच्चे और एक थोड़े से काले बच्चे, ऐसा नहीं है। एक ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की होगी, ठीक है। दूसरे ऐसे बच्चे जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी, और तीसरे हमारे ज़बरदस्त बच्चे जिन्होंने आज से 3 महीने पहले ही पूरे सिलेबस को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। मतलब एकदम गजब तैयारी उनकी है। तो चलिए जो जो हम बता रहे हैं उस पर तीनों बच्चे काम कीजिएगा और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास मात्र और मात्र एक दिन का समय है, तो अभी यह समय यह सोचने के लिए नहीं है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से शुरू करे, कौन सा चैप्टर बनाए, कौन सा MCQ करे, कहाँ जाए, बिल्कुल नहीं। सबसे बढ़िया तरीका होता है पढ़ाई का सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से ही ना IAS बनता है, आप भी बनेंगे। तो जैसे अब आइए जानते हैं स्टूडेंट कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है ध्यान से देखिएगा, और जैसे जैसे हम सीरियल वाइज बता रहे हैं वैसे वैसे आपको क्या काम करना है, मैथ को कंप्लीट करना है। तो एक बार भगवान का नाम लेके एकदम तैयार हो गए कि हाँ अभी से हम मैथ की तैयारी स्टार्ट कर दिए। तो जब आप स्टार्ट करें स्टूडेंट, तो सबसे पहला चैप्टर उठाएं रियल नंबर। ये नहीं कि ये आपके बुक का पहला चैप्टर है, इसी को पहले करना चाहिए। एक बार यह चैप्टर आपके दिमाग में घुस गया, 6 नंबर आपका एकदम कन्फर्म हो गया। आसान है, एक चैप्टर से 6 नंबर कितना ज़्यादा आसान है आपके लिए। तो 6 नंबर की तैयारी इससे हो जाएगी, सबसे पहले इसको कंप्लीट कीजिएगा। अब कंप्लीट कैसे करना है, अब जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े, डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक होगा, 1 घंटा का लेक्चर होगा, देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कर लिए। उसके बाद क्या काम कीजिए स्टूडेंट, आपका रियल नंबर कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों का पहले से कंप्लीट है उनको कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट है, रियल नंबर कंप्लीट है। अब इससे क्या काम करना है स्टूडेंट, सबसे पहले CBSE के ऑफिशियल जो सैंपल पेपर है, क्योंकि इस बार सैंपल पेपर से क्वेश्चन आ रहा है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो CBSE का सिंपल पेपर बहुत जरूरी है। जितने भी रियल नंबर के क्वेश्चन है उसको करके देखिए और देखिए कि आप कहां गलती कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। उसके बाद चैप्टर के जितने भी बेसिक है, बेसिक मैथ वालों के लिए नहीं, बेसिक मतलब दोनों के लिए, जैसे ऑड नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इसको एकदम अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। अगर इतना कर लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन करने के बाद, तो अगर पूरा आपका क्वेश्चन सही होता है तो समझिए कि बोर्ड एग्जाम में भी आपका पूरा का पूरा रियल नंबर का क्वेश्चन सही होगा और एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अब इतना सब करने के बाद कहीं से भी आप 10 MCQ रियल नंबर के लगा लीजिए, रियल नंबर हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है, बात रियल नंबर की खत्म, ठीक, एक चैप्टर हुआ। अब दूसरा चैप्टर करने से पहले एक और खास बात बता दें, अब यह नहीं है स्टूडेंट कि आप रियल नंबर का एक टॉपिक पढ़िएगा और दूसरे टॉपिक के लिए कहिएगा कल पढ़ेंगे तो परसों पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। अब एकदम रियल नंबर उठाए तो उसको फाइनल ही कर दीजिए, ऐसा फाइनल कीजिए कि बोर्ड में एक भी मार्क्स आपका नहीं कटे, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपका पॉलीनोमियल, ठीक, और अपना लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये दोनों चैप्टर, टोटल 10 नंबर का सवाल इससे आएगा। अब क्या काम करना है, दोनों चैप्टर को कंप्लीट करना है, 1.5 घंटे अगर आप देंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब पॉलीनोमियल और लीनियर इक्वेशन में किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना है वो देखिए, आप कोशिश करें कि पॉलीनोमियल का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें,
यह चैप्टर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे क्वेश्चन का, उतना ज़्यादा आपसे टर्म वन के एग्जाम में बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कम से कम 20 क्वेश्चन इसका आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन का भी 10 क्वेश्चन ही कीजिए, एक दिन का तो समय ही काम चल जाएगा। और जितने भी ग्राफ है, ठीक है, कौन सा ग्राफ कॉन्साइड करता है, कौन सा इंटरसेक्ट करता है, इस सब का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में आपको हेल्प मिलेगा। यह दोनों चैप्टर का जो कहानी है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, एक खास बात बता रहे हैं, अब क्या काम करिएगा, सेम रियल नंबर के तरह सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसे है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपका 16 मार्क्स का जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान है, और इतना करने में हमको लगता है कि आपको मुश्किल से लगेगा भी तो 2 घंटे का समय लगेगा, हो गई तैयारी। अब जो हमारे भाइयों एवं बहनों कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो शांति से पॉलीनोमियल और लीनियर इक्वेशन का लेक्चर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत जीरो लेवल से बताए हैं। नहीं तो यूट्यूब पे और सारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर के लेक्चर हैं, उनको भी आप देख के कम से कम टॉपिक अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिए। 16 मार्क्स की कहानी खत्म, और इसको किस स्लॉट में करना है, फर्स्ट स्लॉट में, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट में आपके पास इतना काम रहेगा। एक जो पबजी खेलते हैं ना, पबजी उसमें लेवल होता है ना, तो एक लेवल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए दूसरे लेवल में आपको क्या काम करना है, उससे पहले मार्कर का जरा से पेट्रोल घट गया है तो पेट्रोल फिलअप कर लेते हैं। और घबराइए नहीं बाबू, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे काम कीजिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और एक और खास बात, लीनियर इक्वेशन में एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है उसको तो एकदम ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए इतना काम करते हैं तो एक भी मार्क्स आपका रियल नंबर में नहीं कटेगा, लेकिन ये जो सीबीएसई चाचा जो हैं सिंपल पेपर दिए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इतना काम आपको करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लॉट में, जिसका नाम है ट्रायंगल एरिया रिलेटेड सर्कल, 2 चैप्टर हमारा ट्रायंगल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है स्टूडेंट। तो यह 2 चैप्टर, अब आइए जानते हैं यह 2 चैप्टर की तैयारी कैसे करनी है। देखिए स्टूडेंट, ट्रायंगल में आप फंस रहे हैं, बहुत बच्चे मुझे मैसेज किए कि सर ट्रायंगल हमसे नहीं बन रहा है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ट्रायंगल के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट है प्लीज उसको याद कर लीजिए। आप ही सोचिए कि बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, वो भी मैथ अंकल का, नहीं ना बनेगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट है थियोरम है उसको क्या करिए, याद कर लीजिए। सर थियोरम इतना बड़ा प्रूफ किया हुआ है उसको याद कर ले, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपसे कोई भी प्रूफ नहीं पूछने जा रहा है। उसका जो कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट है, उसको समझ जाइए, ठीक है। जैसे थाल्स थियोरम है तो उसका स्टेटमेंट समझ जाइए, हो जाएगा काम, ठीक। और कम से कम ट्रायंगल का 25 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए एडिशनल, कहीं से भी जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, किसी भी अंकल का क्वेश्चन बैंक हो, उसे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ठीक, हो जाएगा। एरिया रिलेटेड सर्कल में स्टूडेंट आपको खास हम एकदम हिदायत दे रहे हैं कि जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे सर्कल का डायमीटर क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा, इसको याद रखना है। और कम से कम इसमें 10 फिगर बेस्ड क्वेश्चन तो एकदम कीजिए, जिस क्वेश्चन में फिगर रहता है, किस प्रकार का, इस टाइप का स्क्वायर में फिगर सर्कल का, वो सब क्वेश्चन को कीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी के जितने भी छोटे छोटे सवाल हैं और फिगर वाले सवाल हैं जो एक लाइन में बनते हैं, वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को ख्याल रखिए। अगर यह काम कर लेते हैं स्टूडेंट तो एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, कहाँ पे, सीबीएसई के एग्जाम में। उसके बाद इतना करने के बाद सीबीएसई अंकल का तो ऑफिशियल सैंपल पेपर करना ही है, और साथ में 2 सैंपल पेपर कोई भी कंपनी का हो उसके क्वेश्चन को भी क्या करना है, लगा लेना है। सिर्फ यही 2 मतलब कि टॉपिक में, ट्रायंगल और एरिया रिलेटेड सर्कल में, ठीक, हो गया। अब चलिए हम लोग तीसरे स्लॉट की बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। जितना कहे थे साइंस में कि कैसे केमिस्ट्री में एक्टिविटी याद करना है, देखिए पूरा एक्टिविटी पूछा है, ठीक। तो जैसे जैसे मैथ में कह रहे हैं वैसे वैसे काम कीजिएगा, और जिन बच्चों को कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगा
उसका लेक्चर फूफा जी डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब नया आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, स्टैट एंड प्रोब, इसको सीधा लिखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन तो ठीक है, इसमें सॉरी प्रोबेबिलिटी ना है, हाँ तीसरा आएगा प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या करना है वो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम देते हैं, जितने भी छोटे सवाल हैं उसको एकदम बढ़िया ढंग से कर जाइए। और एक बात याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा के सीबीएसई पूछेगा। जैसे आज साइंस में क्या हुआ है कि आप शुरुआत में क्वेश्चन देखिएगा तो है, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक, उसके बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन उसको फिर वेट वाटर ग्लास से रिएक्शन करा दिया है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, देखे कैसे फंसा है। तो प्रोबेबिलिटी में हम कहते हैं कि जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसका एकदम दबा के प्रैक्टिस कर जाइए। कोई भी बुक आपके पास हो, ऑल इन वन हो, एनसीईआरटी हो, चांद अंकल की बुक हो, कोई भी आरडी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, कोई भी हो, क्वेश्चन बैंक हो, जितने भी छोटे छोटे सवाल है जो एक मार्क्स में है उसको तो एकदम प्रैक्टिस कर जाइए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपको कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा लेकिन क्वेश्चन में आप गलती करते ही करते हैं। तो कम से कम यहाँ तो 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए, कहीं से भी अगर इतना कर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी का एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा इस सेक्शन का। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग का है ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा स्लॉट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जल्दी जल्दी लिख रहे स्टूडेंट, और ट्रिगो। ठीक, यह दो चैप्टर। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या आपको काम करना है, थोड़ा सा इंक बार बार घट रहा है, परेशान हो गए इससे हम। चलिए, यह दोनों में क्या काम करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बताते हैं ट्रिगोनोमेट्री में स्टूडेंट, सबसे पहले आप जितने भी फार्मूला है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पे आपसे पूछे जाएंगे, इस बात का एकदम खास ख्याल रखिएगा। ठीक, और बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या सर बड़े बड़े जो आइडेंटिटी है उसको भी पूछे जाएंगे, तो उतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा लेकिन छोटा छोटा जितना भी है उसको पूछा जाएगा। तो जितने भी एनसीईआरटी के, तो कम से कम जितने भी सवाल है उसको बना ही लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी सेम कहानी, इसलिए दोनों को हम एक ही सेक्शन में रखें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टूडेंट एक हमको लगता है 30 से 35 मिनट का लेक्चर है, देख जाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, तो इसमें भी क्या करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम इसमें 30 क्वेश्चन तो आप लगाइएगा ही, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो वो कॉन्सेप्ट के लिए लेक्चर देखिएगा। इतना सब कर लेने के बाद अब क्या काम करना है स्टूडेंट, आपको केस वाले क्वेश्चन करने। जब आप इतना सब काम कर ले तो कहीं से भी आप केस के 10 क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका जो तैयारी है एकदम जबरदस्त हो जाएगा। और इतना ही काम आप करिएगा तो एक बेस्ट मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे, कहाँ, सीबीएसई के एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा, बाबू सोना के साथ दो बार शेयर कीजिएगा। और इतना सब करने के बाद फिर भी समय है तो आप जितना भी सैंपल पेपर कर सकते हैं उसको कीजिए, लेकिन सीबीएसई का सैंपल पेपर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और साथ में मैंडेटरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।